कौन है महाराज जी? मैं आपके पास आते हुए, शंखनाद तो आपने कर दिया है, लेकिन अदालत की दहलीज पर शंखनाद करने के लिए आपको प्रमाण देने पड़ेंगे। कैसे साबित करेंगे कि जो बाबा प्रकट हुए हैं वो भगवान शिव हैं और उनकी आराधना का अधिकार आप लोगों को मिलना चाहिए। काश्यामि काश्यते काशी काशी से प्रकाशिका शा काशी विदिता जेनो जेन प्राप्ता ही काशिका। ये काशी अनादिकालीन परंपरा की काशी है। सतयुग से लेकर के कलयुग तक तमाम बार जब प्रलय होता है तब भी काशी का कहीं विनाश नहीं होता है, क्योंकि अगर पुस्तक से संविधान चल सकता है तो हमारे धर्मशास्त्रों से ये देश चलता है। मैं इस धर्मशास्त्र का, वेद का, पुराण का, शांग का, न्याय का, मीमांसा का, उपनिषद का प्रमाण देता हूँ और इस मंच से उद्घोष करता हूँ, पंचकोशी काशी का कभी विनाश ही नहीं होता है। ये अनादिकालीन मस्जिद कहाँ जाएगी फिर? वहाँ पर तो 400 साल पहले से नमाज अदा की जा रही है, मुस्लिम पक्ष दावा कर रहा है। क्या इस देश के हिंदू धर्मगुरु मुसलमानों के खिलाफ एक माहौल बना रहे हैं, इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं? निवेदन करूंगा चित्रा जी, मैं आपसे, कोई आक्रांता मेरे घर पे कब्जा कर ले, कोई हमें रास्ते में गोली मार दे, कोई मेरा सामान छोड़ ले तो मालिक हो सकता है क्या? अरे मेरे देश पर आक्रांता आए, उन्होंने आक्रमण किया, चोरी किया, अधर्म किया, मेरी माताओं का, बेटियों का, बहनों का, देश का, धर्म का, राष्ट्र का, संविधान का, संस्कृति की, परंपरा का, मर्यादा का दोहन किया, वो मेरे मालिक नहीं हो सकते हैं, वो आक्रांता है, देश दुश्मन है। मौनी महाराज जी, मैं आपसे सवाल पूछ रही थी, बार बार ये मुस्लिम जो लोग हैं वो आप लोगों से सवाल पूछ रहे हैं कि 400 सालों से ज्यादा वक्त से जो नमाज अदा कर रहा था वो कहाँ जाएगा? आप लोगों को पहले क्यों नहीं याद आई इस चीज की? अभी पूरा माहौल ऐसे बना दिया जा रहा है जैसे कि मतलब मस्जिद की जमीन लेकर ही मानेंगे आप लोग। पुरुष बलि नहीं होता है, समय होत बलवान, भिल्लन लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बाण। जब ये आक्रांता मेरे देश में आए, इन्होंने आक्रमण किया, आक्रमण करके कत्लेआम किया, मंदिर तोड़ा, धर्म तोड़ा, माताओं को अपमानित किया, देश को अपमानित किया, अर्थव्यवस्था बिगाड़ी और हम कुचले जाते रहे। और जब सरकारें भी आई तो वो भी उन्हीं के साथ वोट की सियासत करने के लिए खड़े रहे और हम बार बार, हमने कभी अपनी लड़ाई बंद नहीं की। मैं निरंतर न्यायपालिका में सरकार से, सदन से, समाज से गुहार लगाता रहा कि हमारे धर्म की रक्षा होनी चाहिए, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन मेरी भावनाओं के साथ खिलवाड़ होता रहा, न्यायपालिका ने मेरी बात सुना और कार्रवाई की। अब मेरा आपसे सवाल है, देखिए जो मुस्लिम धर्म को फॉलो करने वाले लोग हैं वो लोग भी तो सवाल पूछेंगे ना कि वो कहां पर जाएंगे, उनका भी तो कुछ अधिकार है, तो कम से कम अदालत की दहलीज पर जो मामला पहुंचा है इंतजार कर लिया जाए, शिवलिंग मिल गया, बाबा मिल गया, पूजा करने दीजिए, जल चढ़ाने दीजिए। चित्रा जी, क्या मैं अपनी बात भी नहीं रख सकता हूँ? अदालत में तो चल ही रही बात और आज तक हमने अदालत के माध्यम से ही प्राप्त किया है, चाहे वो राम मंदिर हो। अगर हम बहुशंकक की बात हम करते हैं, अगर हम जबरदस्ती करते तो इतने समय हम नहीं लगाते, 400 साल ना इनका लगाते, 500 साल ना राम मंदिर के लिए लगाते। हम शांति प्रिय काम करते आए हैं, वेदांत हमारा स्वाभिमान, शिष्टता हमारी सीता है, हर रोज हमारी रामायण, हर सांस हमारी गीता है। जब तक होती है शांति हृदय में, जब तक होती है शांति हृदय में, तब तक हम होते केवल भारत, लेकिन प्रलय युद्ध छिड़ जाता है तो हो जाते हम ही महाभारत। चाहते क्या है महाभारत? हम भारत करना चाहते हैं, हमारी चीज हमारा भारत करना चाहते हैं। बिल्कुल, अगर आप मेरी चीज आप प्रेम से नहीं देंगे तो हम संक्रांत कर दिए महाराज श्री ने, और पांच जन्म ऋषिकेश देवदत्त धनंजय पौडंत महादत्ता भीम कर्मो बृकोदरा, अगर भीम इस प्रकार से संक्रांत होती है तो निश्चित रूप से अभी तक जितनी सरकारें हुई उन्होंने भी मुझे साथ नहीं दिया। हमारे हिंदुओं पर कुचलता आए, हमारे धर्म संस्थाओं को चलते आए, हम कथावाचकों से लेकर के धर्म संस्थाओं को लेकर के सबको कुचलते आए। आज मौका मिला है, हम अपनी बात रख रहे हैं और वो भी हम सदा सदा से न्याय की बात मानते आए हैं और न्याय की बात करते हैं। सर्वेश्वर सरन जी, मतलब अयोध्या में अगर राम मंदिर बन रहा है तो अब आपकी नजर काशी पर, मथुरा पर, ताजमहल पर, कुतुब मीनार पर, कहां कहां नजर है आप लोगों की? इकट्ठा क्यों नहीं फैसला कर लेते हैं? मुस्लिम धर्म कह रहा है कि इकट्ठा फैसला कर लीजिए कि कहां कहां नजर है, सब पर एक साथ लेकर आइए मुकदमा, आप लोग मांग लीजिए कि भैया हमारा था दे दो वापस। नहीं, धीरे, ये रोज रोज क्यों माहौल बनाया जा रहा है? माहौल नहीं बना जा रहा, इसको धीरे धीरे करके ज्ञान बापी को पहले इसको निपटाया जाएगा, उसके बाद में फिर जो है मथुरा जी कैसे निपटाएंगे ज्ञान बापी को? कह रहे ज्ञान बापी ने निपटा दिया, अभी कोर्ट में गया है, कोर्ट जी का निर्णय हम लोग को मान है, कोर्ट भी जो भी कहेंगे हम लोग मान करेंगे। लेकिन वहाँ पर नमाज भी तो पढ़ी जा रही है ना, इसकी इजाजत है कोर्ट की ओर से? नहीं नहीं, उस पर रोक नहीं लगी है। नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा, योगी जी और मोदी जी हैं, सब मुमकिन है।
योगी जी मोदी जी हैं तो सब मुमकिन है, सब मुमकिन है। मामला भले ही कोर्ट में रहे नहीं, लेकिन मोदी जी योगी जी हैं तो सब मुमकिन है। सब क्या मुमकिन बताना चाहते हैं आप? मुमकिन यही है, क्या मुमकिन यही है कि सब कार्य जो है प्रेम से ही ये कार्य संपादित हो जाएगा। प्रेम से कैसे ये कार्य संपादित? प्रेम से हो जाएगा ऐसा विश्वास जी, वो लोग कह रहे हैं डराया जा रहा है, माहौल बिगाड़ा जा रहा है। बिल्कुल नहीं, बहुसंख्यक जो है गलत बात, अल्पसंख्यकों को डराने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, प्रेम से ही सब कार्य संपादित होगा। साध्वी गीतांबा जी सीधे आपके पास आते हुए, क्या मौजूदा वक्त में ऐसा नहीं लग रहा है कि जो बहुसंख्यक आबादी है वो अल्पसंख्यकों को डराने का काम कर रही है? डरा धमका कर ये भी मस्जिद वो भी मस्जिद, यहाँ का वहाँ का, पूरब से पश्चिम तक सब नाप लिया है आप लोगों ने। बहुसंख्यक कभी एक हुए ही नहीं, अल्पसंख्यक हमेशा एक हुए। आज अगर हम लोग संत होकर के एक विचार व्यक्त करते हैं तो उसमें नाना प्रकार का खंडन करने भी लोग आ जाते हैं, लेकिन उनके यहाँ एक मौलाना बोलता है सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। हमारे बहुसंख्यक में कभी एकता हुई ही नहीं तो हम बहुसंख्यक कहाँ हैं? हम तो अल्पसंख्यक हैं। और अभी तक जो हम लोगों ने आवाज़ उठाई गई, हम तो धन्यवाद जैन साहब को मानेंगे कि जिन्होंने इतनी बड़ी आवाज़ उठाया, और आज बीमार भी हैं वो, तो उनके वजह से आज हमें थोड़ा सा ज्ञान, हम संतों को ज्ञान मिला। हम लोग तो खाओ और सो निजधामा रण में कौन तुम्हारो कामा, खा करके और अपने मठों में सोते थे। आज हम लोगों को जगाया अगर वकीलों ने, अदालतों ने, तो हमें चेतना आई। मान जी लोगों को अदालतों ने जगाने बिल्कुल का जगाया काम किया है। इसलिए जगाया कि कभी हम लोग इतना दबा दिए गए कि कभी समाज में खड़े नहीं हुए। कितने दबाया आप लोगों को? 91 में हमारे कार्यकर्ता गए थे कार्य सेवा में, इतने साधु संत मार मार के बोरों में भर भर के नदियों में बहाए गए, हम लोग डर गए थे, बिल्कुल डर गए थे, क्योंकि हम लोग भजन करने पर विश्वास करते हैं, आतंक करने पर विश्वास नहीं करते। आतंक कौन करता है? कौन करता है आतंक? आतंक तो हो ही रहा है, देखिए हमारे ही मंदिर में, हमारा ही घर, हमारे ही पिता, हमारी ही माता, और हमें ही दर्शन से दूर रखा जा रहा है। अब इससे बड़ा आतंक क्या होगा?